अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शराब माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पुत्र राम नारायण निवासी किशन प्रसाद की गली बसनही बाजार मिर्जापुर द्वारा अवैध समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई 4,92,00,000 की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति की मुनादी करवाई गई। तमाम संपत्ति जिसमें ये शामिल है लगभग 44 विश्वा खेत और इसका ये जहां पर ये रहता है फार्म हाउस दोनों मिला करके लगभग जो यहाँ का सर्किल रेट है 4,92,00,000 की प्रॉपर्टी को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के 14(1) की कार्रवाई के तहत कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत पड़ने वाले इस गांव में जो भी इनकी प्रॉपर्टी है अनूप मालवी के जो जनपद का HSB है हिस्ट्री शीटर है तथा उसका तमाम आपराधिक इतिहास है तथा तमाम आपराधिक अधिनियम से कमाए गए संपत्ति को आज 26 को हम लोग जो उप जिलाधिकारी सदर CO सदर मैं खुद SPCD हम लोग की उपस्थिति में तथा तमाम गांव की उपस्थिति में ये कुर्क किया जाता है ऐसी डुगी बजा के और हम लोग ये अनाउंस करते घोषणा करते हैं कि ये जब तक कि इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं हो जाती है ये कुर्क करने की कार्रवाई की गई है और ये संपत्ति निश्चित तौर से सरकारी हित में कुर्क की जाती है। सर कुछ मकाना सीज किए गए हैं, एक अपराधी के क्या अपराध था और क्या क्या कार्रवाई हुई है? ये 44 विश्वा जमीन है, ये आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है अनूप मालवी, ये बसनही बाज़ार थाना कोतवाली शहर का रहने वाला है तथा इसकी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर 44 विश्वा जो जिसका सर्किल रेट लगभग 4,92,00,000 रुपए है और इसका फार्म हाउस है ये और ये पूरी खेती बाड़ी थी इसकी यहाँ पर, यहाँ इसके कुछ आदमी लगे रहते थे इसमें और ये चूँकि आपराधिक इतिहास का व्यक्ति है और इसका जो आबकारी अधिनियम के तहत इसके खिलाफ तमाम अभियोग भी दर्ज हैं तथा आबकारी के गैर कानूनी कार्यों से इसने काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी, कई मकान बना रखे हैं तो इसमें से इसी विधिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने इसको चिन्हीकरण किया था इस प्रॉपर्टी का, जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर आदेश किया गया है तदनुसार इसके कुर्क किया गया है। ये थाना कोतवाली देहात में जनपद मिर्ज़ापुर में इसके बारे में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज था इसके साथ और इसके साथियों के साथ और जो 14(1) गैंगस्टर एक्ट के जो नियमानुसार एक्ट होता है उसके तहत इसको कुर्क करने की कार्रवाई की गई है जो आपके सामने उप जिलाधिकारी सदर सिसोदर और हमारी उपस्थिति में ये कुर्क किया जा रहा है। क्या नकली शराब बनाने में ये आदमी था और दूसरी चीज़ क्या वर्तमान समय में क्या जेल में है, बाहर है, क्या है सर? नहीं, ये जेल गया था अभी इसकी कुछ दिन पहले जमानत हो गई थी, इस पर दोबारा इसको जो है हम लोग तलाश कर रहे हैं, अभी गैंगस्टर का जो इसमें वांछित चल रहा है ये और हम इसकी गिरफ्तारी कर लेंगे, तब तक हमने इसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है और इसके साथ जो भी विधिसम्मत कार्रवाइयाँ अन्य भी होंगी सख्त से सख्त, चूँकि आबकारी में कई तरह की हम लोग ये भी चाहते हैं कि कोई इलिसिट लीकर से कोई आदमी की मृत्यु ना हो और हम लोग निश्चित तौर सतर्क हैं इस पर, हम बराबर चेकिंग करते रहते हैं, इसके तहत ही हम लोगों ने इस पर संवेदनशीलता के साथ इस पर कार्रवाई की है और ताकि एक मैसेज भी जाए और हमारे जो भी व्यक्ति हैं जो लोग इसमें आबकारी के सॉरी शराब के लत में आते हैं वो कम से कम इससे दूर रहेंगे और ऐसे व्यक्तियों के प्रचार प्रसार से कम हम तमाम समाज का बचाव भी करेंगे, व्यक्तियों का बचाव भी करेंगे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर एक अच्छा मैसेज जाएगा और निश्चित तौर से अच्छी से अच्छी कार्रवाई होगी। नकली शराब बनाता था ये व्यक्ति? निश्चित तौर से ये इलिसिट लीकर में मतलब वही नकली शराब के कारोबार में लिप्त था और तदनुसार इस पर विधिक कार्रवाई की गई है।